नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आपको आधुनिक आवाज़ सारणी की कुछ विशेषताओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि मैं विशेषताओं को जो बताऊंगा तो उसे आप नोट डाउन कर सकें और एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसे आप याद कर लें, ताकि आपको डिफरेंस भी पता चल जाए कि मेंडेलिफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें तत्वों की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में उसे सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित किया गया है, जबकि ये जो मेंडेलिफ का आवर्त सारणी था उसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल क्षैतिज पंक्तियाँ जिसे आप आवर्त कहते हैं वह 7 हैं और कुल वर्ग संख्या यानी उदग्र स्तंभ जो हैं वो हैं 18 वर्ग हैं। 18वां वर्ग जो है वह अक्रिय गैसों के लिए निश्चित कर दिया गया है, यानी कि उसमें अक्रिय गैस उपस्थित रहेंगे, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस उसे बोल सकते हैं आप। यह मेंडेलिफ के आवर्त सारणी के बहुत सारे दोषों को दूर करता है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसकी यह एक विशेषता है कि वो मेंडेलिफ के आवर्त सारणी में जो दिक्कतें थी उसे भी दूर कर देता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु को उपधातुओं से अलग किया गया है। इसमें उपधातुओं के लिए अलग निश्चित स्थान दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की यह भी विशेषता है कि यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, यानी कि बड़ा रूप इसे आप कह सकते हैं। अज्ञात तत्व, जो तत्व अभी तक खोजे नहीं गए हैं, उस तत्वों के लिए भी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान को सुनिश्चित किया गया है। तो इस प्रकार से अब मैंने इसकी विशेषता को, आवर्त सारणी की विशेषता को बताने का प्रयास किया आपके बीच में। धन्यवाद, आप अंत तक बने रहे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।